योगी के मंत्री ने फिर कराई भाजपा सरकार की किरकिरी। जनसंख्या नियंत्रण के विरुद्ध सुनील भराला का नया नारा। मंत्री ने कहा हिंदू परिवार अपनाएं हम दो हमारे तीन की परिपाटी। तीन में एक लड़की हो दादी चाची के रिश्तों का क्या होगा। केंद्र की भाजपा सरकार के अलावा आम जन भी अब इस भावना से भरा नजर आता है कि अब देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कुछ ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। राजनीतिक दल तो इस पर कानून बनाने की तरफदारी भी कर रहे हैं। बात जनसंख्या विस्फोट तक पहुंच रही है और योगी सरकार के कुछ मंत्री कुछ और ही नारा दे रहे हैं। योगी सरकार में श्रम कल्याण परिषद मंत्री सुनील भराड़ा ने हिंदुओं को बच्चे पैदा करने का नया नारा दिया है। वो कहते हैं कि देश के हिंदुओं को हम पांच की परिपाटी पर चलना चाहिए, यानी हर दंपत्ति को तीन बच्चे पैदा करना चाहिए। इस तरह उन्होंने हम दो और हमारे तीन का नारा दिया। सुनील भराड़ा ने कहा कि हिंदू परिवार अब धीरे धीरे एक ही बच्चे तक सिमटते जा रहे हैं, इससे रिश्तों में भी असंतुलन पैदा हो जाएगा। सुनील भराड़ा ने हर परिवार को बच्चों की संख्या तीन रखने की सलाह दी और कहा कि इनमें एक बेटी होना चाहिए। आखिर दादी चाची और दूसरे रिश्तों का भी तो ख्याल रखना चाहिए। सुनील भराड़ा ने कहा कि आज समाज में दो बच्चे पैदा करने की मांग उठ रही है, हालांकि अभी ऐसा कोई कानून नहीं है, लेकिन हिंदू परिवार सिर्फ एक बच्चे तक ही सीमित होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि हर परिवार में तीन बच्चे होने चाहिए और उनमें से एक लड़की हो। भराड़ा का कहना है कि दादी चाची के रिश्तों का क्या होगा। योगी के मंत्रियों का ये कोई पहला मौका नहीं है जब उन्होंने सरकार को असहज करने वाला कोई बयान दिया हो। योगी के मंत्री को ये भी मालूम होना चाहिए कि देश में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर देशव्यापी बहस हो रही है। कमोबेश हर राज्य जनसंख्या पर नियंत्रण की बात कर रहा है। सामाजिक रूप से भी देखें तो बिना किसी कानून के सिर्फ जागरूकता से ही देश में बड़े पैमाने पर सीमित परिवारों की संख्या बढ़ रही है। इसके लिए बढ़ती महंगाई भी जिम्मेदार है और महंगी शिक्षा भी। इन कारणों से भी शिक्षित परिवारों में अब परिवार को नियंत्रित रखने की सोच जगह बना चुकी है। जब इस सोच को आगे बढ़ाए जाने की जरूरत है तो ऐसे में योगी के मंत्री सुनील भराड़ा ने एक नया ही नारा दे दिया है, हम दो और हमारे तीन। सरकार में मंत्री रहते हुए क्या उन्हें ऐसा गैर जिम्मेदार नारा देना चाहिए? इतनी समझ तो मंत्री को भी होनी चाहिए कि जनता जिस सुधार की तरफ खुद ब खुद जा रही है, उस जनता के लिए तो ये बयान दिग्भ्रमित करने वाला कहा जा सकता है। खैर, संज्ञान भाजपा आलाकमान ने भी लिया होगा। अच्छा तो यही होगा कि मंत्री जी के इस बयान पर अभी से लगाम लग जाए तो बेहतर होगा।